पिछले कई दिनों से सनसनीखेज फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नागपुर विश्वविद्यालय में एमए के छात्र को पढ़ाया जाएगा, जिस पर सियासत भी काफी देर हो चुकी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीसीएन न्यूज ने रुख किया मानव शास्त्र विभाग के इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर श्यामराव कोरेटी का। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जनसंघ के नाम से पढ़ा जा रहा था, लेकिन बदलती सियासी परिस्थिति के चलते अपडेट के तौर पर 2010 से ही यह इतिहास अभ्यासक्रम में शामिल करने का क्रियान्वयन किया गया था, जिसका कई राजनीतिक पार्टियां इश्यू बना रही है। साथ ही साथ इस वक्त डॉक्टर कोरेटी ने प्रतिक्रिया दी थी कि देश के राजनीतिक इतिहास की अच्छी तरह से समझ छात्र को हो, इसी उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय ले जाते हैं, जिसका सही रूप से जानकारी ना होने के कारण इश्यू बनाया जाता है जो योग्य नहीं है। दर्शकों, नागपुर विश्वविद्यालय में एमए अभ्यासक्रम में भारतीय जनता पार्टी का अभ्यासक्रम पढ़ाया जाने वाला है, ऐसी सनसनीखेज जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर इस वक्त हम मौजूद हुए हैं इतिहास विभाग में, ह्यूमैनिटीज़ के इतिहास विभाग में, और हमारे साथ मौजूद है विभाग प्रमुख कोरेटी सर, जिनसे हम जानेंगे कि असल इसके विषय में क्या जानकारी है। सर, बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इतिहास विभाग में पढ़ाया जाने वाला है, इसके विषय में क्या जानकारी? जी, हमारे यहाँ पर नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जरूर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोग पहले से ही इसको पढ़ाते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक एमए फाइनल ईयर में एक पेपर है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये नए शैक्षणिक धोरण के आधार के ऊपर में जो है उसमें सिलेबस में बदल किया गया हुआ है, और बीजेपी का ही नाम जो है पहले जनसंघ था, तो जनसंघ का इतिहास हम लोग इससे पहले भी पढ़ाते आए हुए हैं, लेकिन 1980 के बाद में जनसंघ का जो नाम है वो बदल के भारतीय जनता पक्ष हुआ है, तो उसके स्थापना और कार्य के बारे में जानकारी हमारे विद्यार्थियों को होना चाहिए करके हम लोगों ने उसको अंतर्भूत किया हुआ है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षों का जो है अभ्यासक्रम को काटा गया हुआ, इस प्रकार से कुछ भी नहीं किया हुआ है। कांग्रेस का जो इतिहास हम लोग इससे पहले से पढ़ाते आ रहे हैं वो अभी भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक नहीं था, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में, कार्यों के बारे में जानकारी नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानकारी नहीं थी, वो भी हम लोगों ने विद्यार्थियों के जानकारी के लिए रखा हुआ है। रही बात कम्युनिस्ट पक्ष के बारे में, तो हम लोगों का जो प्रकरण का नाम है भारतीय राष्ट्रीय पक्ष, अभी फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय पक्ष नहीं है, इसलिए उसको जो है हमारे अभ्यास मंडल के द्वारा जो है चर्चा में लाया गया और उसके बाद में उसको जो है वहां से निकाला गया हुआ है, वहां किसी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यह अभ्यासक्रम कब से लागू होने वाला है और कौन-कौन से वर्षों में लागू? जी, ये हमें एमए इतिहास अभ्यासक्रम में चौथे सेमेस्टर में ये पेपर है, जिसका टाइटल है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो 1948 से लेकर तो 2010 तक की जो है जानकारी देगा, और ये इस साल जो है 2023-24 के सत्र से लागू हो रहा है नागपुर विश्वविद्यालय में। निरंतर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस नए अभ्यासक्रम के तौर पर कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा बनाकर सियासत खेली जा रही है, इसके विषय में क्या? जी, इसके बारे में हमारे अभ्यास मंडल में और या हमारे अभ्यासक्रम के जो पुस्तिका है उसमें कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। हमारे अभ्यास मंडल ने राम जन्मभूमि के बारे में कुछ भी जो है चर्चा नहीं की है। दर्शकों, बदलती शिक्षा नीति के साथ साथ अभ्यासक्रम भी बदलते जा रहे हैं, बदलते परिप्रेक्ष्य के साथ अभ्यासक्रम भी बदलते जा रहे हैं, बदलते सियासत के साथ अभ्यासक्रम भी बदलते जा रहे हैं, ये निरंतर बोला जा रहा है। जैसे कि हमने कोरेटी सर से बात की, जो कि इतिहास विभाग के प्रमुख है, जिन्होंने सत्य परिस्थिति आपके सामने उजागर की, तो ये थी सत्य परिस्थिति। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।